पीए पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी फरमाई, हमेशा। आज तो हुजूर ने एक फरमाया, अल्लाह हम सबको आज की तौफीक अता फरमाए और बार बार आज की तौफीक दे। सहाबा ने 40-40 हज फरमाए, 50-50 हज फरमाए, हजरत फुजैल बिन अय्याद ने 60 हज फरमाए। अल्लाह को तौफीक दे, कबूल फरमाए और अल्लाह सबको बार बार वो मौके नसीब फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज एक फरमाया, कुर्बानी हुजूर जिस दिन मदीने आए उस वक्त शुरू फरमाई और हर साल हुजूर कुर्बानी देते थे, हर साल दो दो जानवर ज़िबह फरमाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दो का क्या मकसद? फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी गरीब उम्मत की तरफ से। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ से? फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से। कभी फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरे अहले बैत और मेरी उम्मत की तरफ से। दो दो जानवर हुजूर ने ज़िबह फरमाए और फिर मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली शेर खुदा, इब्ने माजा की रवायत है, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दो जानवर ज़िबह करते थे, खुद हजरत अली की जब बारी आई तो उन्होंने भी दो फरमाए। तो सहाबा ने पूछा कि अली दो क्यों, दो किस लिए? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मुझे मेरे हबीब ने वसीयत फरमाई थी कि अली तूने दो करने, एक अपनी तरफ से किया करना, एक मेरी तरफ से करना। तो मैं एक अपनी तरफ से देता हूँ, एक अपने नबी पाक की तरफ से देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, दो जानवर। आप लोगों ने सुनी हुई है ये बात कि महीना महीना खाना नहीं पकता था हुजूर के घर में। हजरत आयशा फरमाती है, तीन चांद और तीन सूरज इकट्ठे कभी नहीं देखे जब साथ रोटी भी खाई हो, यानी तीन दिन मुसलसल कभी खाना नहीं खाया। कुर्बानियां कितनी दी? बोलिए, हजरत अली शेर खुदा का मकान कोई नहीं अपना, कोई घर नहीं बनाया। मौला कायनात शेर खुदा, मैंने ये बात फिर दोहरा रहा हूँ, पहले भी मैंने अर्ज की थी, पक्का करने के लिए दोहरा रहा हूँ, हजरत अली का कोई कारोबार नहीं बाजार। बीबी साहब फरमाती हैं कि कई हफ्ते सिर्फ सिरका और खजूरें। कुर्बानियां कितनी? अभी सारे साहब लान टुरे हैं कि साढ़े लग दी है कि नहीं, पक्का। और फिर जब बात होती है देने की तो माहौल और होता है, जब लेने की बारी होती है तो माहौल और होता है। कुर्बानी वाजिब है उस शख्स पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले। लेकिन मैं 7.5 तोले वाला फतवा नहीं देता, मैं 52.5 तोले चांदी वाला फतवा देता हूँ। इसलिए कि 52.5 तोले चांदी तो शायद 2 लाख या 1.5 तोला सोने के बराबर ही हो जाए, ठीक है ना जी। तो 7.5 तोले सोना 50-60 हजार रुपया जिस आदमी के अकाउंट में मौजूद है वो कुर्बानी करे। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसने 3 कमरों को ताला लगाया होगा वो 3 कमरे फारग है, उसके किसी काम के नहीं, उनकी कीमत का हिसाब लगाए। और छत पे स्टोर बना दिया है कोई मतलब नहीं उसका, और जो वैसे रखे हुए हैं कोई माना ही नहीं कमरे का। माते थे हिसाब लगाए, कुर्बानी करे। रब करीम की बारगाह में देने का जब मामला आया तो तू गोल कर गया काम। मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने लिए चीजें इस्तेमाल करने का माहौल है तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने महीना महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात को 4 किलो बकरे का गोश्त पकाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता मेरे पे लगती नहीं, वो ठीक है अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी, इस दफा अब्बा जी की, अगली दफा अम्मा जी की, उससे अगली दफा दादी जी की। ओ खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी वाजिब है। मेरी बात की समझ आ रही है अजीजों को? जो आदमी साहिब इस्तेआत है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है उसके अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में नहीं आती। उसने अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा होगा अब्बा जी से, पहले अपनी कुर्बानी करे। अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और खरीदे, अम्मा जी की तरफ से करे। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल की तरफ से भी कुर्बानी दे, फिर अपने महबूब की जानिब से भी कुर्बानी करे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियां दी, 10 साल। कुल कितनी होगी 10 सालों में? बोलिए। और जब हुजूर हज करने गए नबी पाक ने 63 ऊंट ज़िबह फरमाए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 63 ऊंट हुजूर ने ज़िबह फरमाए। और हदीस बड़ी मजेदार है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ऊंट ज़िबह करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबह करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है।
सबसे मुश्किल काम ऊंट जिबा करना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीमा है अपने हाथ से जिबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे अल्लाह ही हाफिज़ है। जिबा करना तो दूर की बात है, हमारा जो बीए पास लड़का है ना उसको डराता है जानवर के पास खड़े होते हुए, कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ 10 साल का 12 साल का अंदर ले जाओ जिबा करना रोएगा। और बस करो यार ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है, हमारे तो 12 और 14 साल के मुव्वज़ और माद अबू जाल की गर्दन काट के रख दिया करते थे और तू बच्चा बकरा जिबा करने से डरा रहा है, इसको खड़ा कर ला के, कुर्बानी तो जहाद की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर इसको का बेटा यहाँ खड़ा हो अल्लाह के रस्ते में बकरे की गर्दन काट ली, अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे कुफर का झंडा उठाए तो उसकी गर्दन भी काट ली। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए, यहाँ अजीब माहौल है डर लग रहा है पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं, नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं, कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी उसने उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा, उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी थी। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती थी। और फरमाते नबी पाक का हाथ यूं होता था कि बर्फ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता था, फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लेटाते और अपनी तामत को समेटते और अल्लाह के हबीब घुटना रखते उसकी गर्दन पर और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा फरमाते। हुजूर खुद दस्ते मुबारक से तू इतना ज्यादा नाजुक मिजाज हो गया कि अब ये वाली सुन्नत अदा करना मुश्किल हो गया तेरे लिए, 63 ऊंट हैं। और सहाबाए किराम अली मुरीदवान फरमाते हैं कि हाल ये है, हम सोच रहे हैं कैसे ज़िबा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे गिराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी, खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया, उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी, उसने कहा फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो से याद, शक्ले गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी सयाद शिकारी शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को, तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही ना, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या, तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है, इस तरह करना कोयले इतने ज्यादा दहकाना, इस कदर ज्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए, तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी इसलिए कि महबूब का चेहरा भी सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, ओ शक्ले गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। आला हज़रत बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, फरमाते थे बड़ी तकलीफ होगी जब जान निकलेगी। रवायतों में आता है जिस तरह बारीक दुपट्टा झाड़ियों पे डाला जाए खेचा जाए तो फट जाता है, यूं तकलीफ होगी। पर फरमाने लगे रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर क्यों, फरमाया इसलिए कि जब जान निकलने लगेगी तो सामने जलवा वदुहार आ जाएगा।